मैं अभिषेक कुमार राय बिहारी न्यूज से। आज हम बात करेंगे गंगा की गोद में रहने वाले सबसे बुद्धिमान जीव के बारे में। गंगा में वास करने वाली ये डॉल्फिन्स देख नहीं सकती, तो ये सिर्फ आवाजों को सुनकर शिकार करती हैं। आकार में 1.7 मीटर, इनका वजन 50 किलो से 10 टन तक होता है। इस सामाजिक जीव में मनुष्य जैसे कई गुण पाए जाते हैं। सीखना, सिखाना, मदद करना, खुश होना, शोक मनाना और सबसे आश्चर्यचकित कर देने वाला गुण जो इन जीवों में मौजूद है वो है संस्कृति। जिसने मनुष्य को मनुष्य बनाया है, जिसने सभ्यताओं को आगे बढ़ाया है, दूसरे जीवों की मदद करना, अपने शिशु का ख्याल बेहतर तरीके से रखना, यहाँ तक कि शोध में पाया गया है कि डॉल्फिन मादाएँ अपने बच्चों को अपनी सीखी हुई चीज़ें सिखाती हैं, तो ये विशाल बुद्धिमान जीव खतरे में क्यों है? 1982 तक जिनकी संख्या 5000 तक थी, गंगा में जगह जगह इनको देखा जा सकता था, वो नदियाँ आज इनकी मौजूदगी से वंचित क्यों हैं? भागलपुर जिले के पास विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य 3 दशकों से इस लुप्त प्राय जीव को संकट से निकालने में लगा है। नदियों में वास करने वाली ये डॉल्फिन अमूमन स्वच्छ जल में ही जीवित रह सकती हैं। बिहार से होकर जाने वाली गंगा इन डॉल्फिनों को एक सही वातावरण एवं वास प्रदान करती है। पिछले कुछ सालों में प्रदूषण, बांधों से उत्पन्न बाधा एवं तेल के लिए इस मासूम जीव की हत्या के कारण इसकी संख्या में भारी गिरावट देखने में आई है। इसको देखते हुए देश के कुछ प्रमुख संस्थानों ने इन्हें लुप्त प्राय जीवों की सूची में डाल दिया है। स्थानीय लोगों द्वारा इन्हें सूसू भी कहते हैं, क्योंकि ये जब सांस लेने पानी से ऊपर निकलती हैं तो सूसू की आवाज़ें निकालती हैं। गौरतलब बात है, देश की राष्ट्रीय जल जीव होने के बावजूद इस जीव को प्रदूषण एवं राजनीतिक चेतना की कमी ने हाशिए पर ढकेल दिया है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की एक रिपोर्ट की माने तो पिछले 34 वर्षों में 24% डॉल्फिन खत्म हो चुकी है। हर दिन विश्व में 1000 डॉल्फिनों एवं वेलों की हत्या हो रही है। अब सवाल ये उठता है, जहां इंसान सही से जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहा, वहां इन मछलियों के संरक्षण पर अपना ध्यान केंद्रित क्यों करें? जवाब आसान है, सीधा है। ये जीव छोटी मछलियों को खाकर गंगा का परितंत्र बनाए रखती हैं। इससे ये जीवित रहती हैं, जिससे बड़े जीव अपना पेट भर पाते हैं। ये बिहार के पर्यटन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। देश विदेश से अक्टूबर के महीने में पर्यटक भागलपुर के पास स्थित इस अभयारण्य की सुंदरता का लुत्फ उठाते हैं। खुशी की बात है कि ये पिछले महीने में VBRC नामक संस्थान ने एक सर्वे में ये इन डॉल्फिनों की संतोषजनक मात्रा में पाए जाने की पुष्टि की है। संसद में भाजपा के अपने ही सांसद राजीव प्रसाद रूड़ी ने इस जीव के भविष्य पर सवाल उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि इन डॉल्फिनों को बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है। भाजपा के ही सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करके ये सूचना दी कि भारत में डॉल्फिन की संख्या 1548 पहुंच गई है। ये प्रदेश की सकारात्मक राजनीति को दर्शाता है। अब बिहार सरकार का ये दायित्व है कि वो उपयुक्त कदम उठाएं। आम नागरिक का दायित्व है कि वो इस पावन नदी को प्रदूषित होने से बचाएं, अपने प्लास्टिक का कचरा सीधे नदियों में ना फेंकें। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के प्रयत्नों से बदलाव संभव है, हमें बस उनका साथ देना है। अब आपके सामने 2 तस्वीरें हैं, एक जहां आने वाली पीढ़ियों को मालूम भी ना चले इस जीव के बारे में, या शायद फिर किसी दिन भरी दोपहरी में गंगा के घाट पर ये सुसु खेलते मुस्कुराते पाए जाएं। आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर इन्हें देखें और गर्व से कहें कि ये डॉल्फिन सिर्फ गंगा माँ की गोद में ही दिखती हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप धनराशि दान करके उनकी सहायता भी कर सकते हैं। अगर ये भी बहुत मुश्किल है तो बस जागरूक हो जाएं। इन जीवों को लेकर, क्योंकि हम आम तौर पर ये भूल जाते हैं कि हमारे साथ ये नदियाँ 230 अन्य प्रजातियों का भी एकमात्र सहारा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज बिहारी न्यूज़ को लाइक करें और इस मुद्दे को जगह जगह पहुंचाएं। धन्यवाद।